वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप है, किसकी है, रिलेशन की, ठीक है। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन की एक स्पेशल टाइप है, किस तरीके से, क्या क्या कंडीशन हमारे पास है। सबसे पहले डेफिनेशन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास फंक्शन के लिए, कि फंक्शन है जो एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, सच दैट दो सेट होंगे एक्स से वाई, ठीक है। एक्स और वाई क्या हमारे पास है, टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है, मिनिमम वन एलिमेंट, ठीक है, वन एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले फंक्शन किस तरीके से होगा, एक्स से वाई होगा, ठीक है। फंक्शन एक मैपिंग है, ठीक है, फंक्शन इज ए मैपिंग, ठीक है। फंक्शन इज ए मैपिंग कहां से कहां तक, फ्रॉम एक्स से वाई तक, फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। एक्स का मतलब एक्स जो पहला सेट है और वाई जो सेकंड सेट है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑल का ये सिंबल होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, मतलब एक्स यहां पर कोई एलिमेंट है पहले सेट से एक्स से, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट या फिर देयर एग्जिस्ट के लिए ये सिंबल अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, किस तरीके से, यूनिकली, ठीक है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि जब एक्स का कोई एलिमेंट, ठीक है, पहले सेट का कोई एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से रिलेट हो, क्या हो, रिलेट हो लेकिन यूनिकली हो, ठीक है, एक बार ही, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट कंडीशन हमारे पास, सच दैट एफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के, ठीक है, फंक्शन होगा वाई के, या फिर फंक्शन को किस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं हम, कि फंक्शन है कोई एफ, ठीक है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, सबसे पहले फंक्शन भी क्या होगा, सबसे पहले कि फंक्शन भी कोई सेट होगा, ठीक है, कोई सेट होगा किस तरीके से, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या कंडीशन होगी, एक्स बिलोंग्स टू एक्स और वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है। जो यहां तक कंडीशन थी ये किसकी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जैसे किस तरीके से, जैसे दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ए क्रॉस बी किस तरीके से डिफाइंड करते थे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से कोई सेट होगा, ठीक है, कोई सेट होगा किस तरीके से, कंडीशन थी ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होगा जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से और सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है, इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद क्या था हमारे पास, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को आर से डिनोट करते थे और किस तरीके से होता है रिलेशन डिफाइंड, वो भी कोई सेट होगा, ठीक है, वो भी कोई सेट होगा, मान लीजिए ए बी, ठीक है, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है। लेकिन रिलेशन के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि ए का रिलेशन बी के साथ हो, ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ हो। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन, अब फंक्शन में किस तरीके से, सबसे पहले एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होगा सच दैट, ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट से सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है। और जो कंडीशन है, जैसे यहां पर रिलेशन के लिए ए का रिलेशन बी के साथ, कोई भी रिलेशन हो सकता है, जैसे ए प्लस बी इवन नंबर हो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, कोई भी। यहां पर कंडीशन क्या होगी फंक्शन के अंदर, कि जो एफ एक्स है किसके बराबर होगा, वाई के, ठीक है, फंक्शन किसके बराबर होगा, वाई के, लेकिन यूनिकली, ठीक है, यूनिकली। सिंपली क्या होगा हमारे पास, कि सबसे पहले
यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, किस तरीके से ए क्रॉस बी हो सकता है या फिर मान लीजिए एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, एक्स इस तरीके से, ठीक है, या फिर दो सेट हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1, 2 और 3, 4, ठीक है, इस तरीके से दो सेट है हमारे पास, ठीक है, जो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल होता है सबसे बड़ा, ठीक है। इस तरीके से जो पहले सेट के एलिमेंट है उनका दूसरे सेट के साथ रिलेशन होगा, जैसे 1 का 3 के साथ भी रिलेशन होगा, 1 का 4 के साथ भी रिलेशन होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरीके से 2 का 3 के साथ भी होगा और 2 का 4 के साथ भी रिलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेशन किस तरीके से, जैसे मान लीजिए दो सेट है, ठीक है, ए बी 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां पर क्या कंडीशन होगी हमारे पास कि जो जैसे इसके एलिमेंट को ए से डिनोट करेंगे, इसके एलिमेंट को बी के, ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ होगा, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है, ठीक है, 1 का 4 के साथ हो सकता है, 2 का 3 के साथ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन हो सकता है। या फिर जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होता है, रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब होगा कि जो रिलेशन है इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर होंगे, ठीक है, मतलब रिलेशन के अंदर किस टाइप से एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के, क्यों, क्योंकि डिफाइंड किस तरीके से, रिलेशन की कोई सेट होगा, ठीक है, ए बी सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से, सेकंड सेकंड सेट से, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे के सारे क्रॉस बी के अंदर होंगे, ठीक है, या फिर सारे के सारे भी तो हो सकते हैं, मतलब कि 2 का 4 के साथ भी तो रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से, मान लीजिए ए प्लस बी किसके बराबर हो, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 और 3 का सम 4, वो भी नेचुरल, 1 प्लस 4, जैसे 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 1 प्लस 4 5, ठीक है, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, ठीक है, और 2 प्लस 3 और 2 प्लस 4, ठीक है, इनका सम भी क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, मतलब जितने भी रिलेशन है वो सारे के सारे किसके अंदर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक है। और ए क्रॉस बी किस तरीके से डिफाइंड होगा, यहां से, जैसे ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, कोई सेट होगा, ठीक है, किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एक का रिलेशन 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ठीक है, और 2 का 4 के साथ, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो पहले सेट की, पहला सेट है ए, ठीक है, यहां से बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो पहले ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है, बी सेट के, ठीक है, ए क्रॉस बी इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन भी इनका सभी का रिलेशन है, ठीक है, यहां से रिलेशन किसके बराबर होगा, जैसे रिलेशन था नेचुरल नंबर था दोनों का सम, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, ठीक है, इसी तरीके से 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ठीक है, मतलब जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है, किसका होगा, ए क्रॉस बी का। अभी यहीं पर कंडीशन किस तरीके से अप्लाई कर दे, ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन किस तरीके से, जैसे कोई फंक्शन है, क्या होगा फंक्शन, कोई सेट होगा, ठीक है, कोई सेट होगा किस तरीके से, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई या फिर ए बी, ठीक है, जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो पहले सेट से,
ठीक है, सेकंड सेट से। लेकिन जो कंडीशन है, जैसे यहां पर तो ए का रिलेशन बी के साथ था, वो रिलेशन कोई भी हो सकता है। यहां पर जो कंडीशन होगी वो होगी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि यूनिकली, ठीक है, यूनिकली का क्या मीनिंग है कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, या फिर पहला सेट एक्स के एलिमेंट, ठीक है, यूनिकली का मीनिंग है हमारे पास कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स यूज्ड, ठीक है, जो पहला सेट होगा, कोई भी सेट है, जैसे यहां पर ही है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स यूज्ड फंक्शन के लिए, जो पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यूज होंगे। और यूनिकली का क्या मतलब होगा, एंड ओनली वन टाइम यूज, ठीक है, वन टाइम यूज्ड, मतलब जैसे यहां पर वन का रिलेशन थ्री के साथ भी है, वन का रिलेशन फोर के साथ भी है, लेकिन फंक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा कि पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज होंगे लेकिन एक बार ही यूज होंगे। मतलब कि एक का रिलेशन या तो सिर्फ तीन के साथ होगा या फिर सिर्फ चार के साथ, ठीक है। अब जैसे यहां पर इस तरीके से रिलेशन हो तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओनली वन टाइम यूज। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स यूज्ड, एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट सेट, एंड वन टाइम यूज्ड, ठीक है, मतलब जो पहले एलिमेंट है जैसे वन है, ठीक है, इसका रिलेशन होगा, ये कंपलसरी है कि रिलेशन तो होगा, मतलब यूज तो होगा, कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ यूज होगा, ठीक है, फंक्शन यूज होगा। जैसे मान लीजिए पहले सेट के अंदर दो एलिमेंट है, वन टू, ठीक है, वन टू, और सेकंड सेट के अंदर है थ्री फोर, ठीक है। अब जैसे फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि फंक्शन के लिए पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा, ठीक है, मतलब वन और टू का रिलेशन कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए, और एक बार होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वन का रिलेशन थ्री के साथ है और टू का रिलेशन भी थ्री के साथ है, ठीक है, मतलब दोनों एलिमेंट हैं, पहले सेट के दोनों एलिमेंट यूज्ड है और एक ही बार यूज है, ठीक है, यहां पर आंसर तो सेम है लेकिन अलग अलग, ठीक है, दोनों एलिमेंट हैं, उनका आंसर तो सेम है लेकिन दोनों यूज हैं, ठीक है, और एक ही बार यूज है, ठीक है, तो ये फंक्शन यहां पर डिफाइंड होगा, ठीक है, क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास, जो फंक्शन है एफ है, ठीक है, वो सबसेट होगा, किसका होगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है, फंक्शन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, जैसे रिलेशन था, ठीक है, जैसे रिलेशन था इसी तरीके से फंक्शन भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।